सिनेमा डायरी में आज हम एक्सप्लेन करेंगे सच्ची घटना पर आधारित फिल्म द बैटल ऑफ लेक चेंगची। फिल्म की शुरुआत में हम वू कियानली को देखते हैं जो अपने भाई वू बैली की अस्थियों को लेकर अपने गांव आया है। तभी वैनली नाम का एक आदमी उसकी नाव पर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है, जिसके बाद वैनली कियानली पर हमला करता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये उसका बड़ा भाई है। दोनों ने एक दूसरे को देखे हुए कई साल हो गए हैं और वैनली अपने बड़े भाई को पहचान नहीं पाया, जिसके बाद वैनली भागते हुए अपने माता पिता को कियानली की वापसी के बारे में बताने जाता है। कियानली घर आकर अपने माता पिता को बैली की मौत के बारे में बताता है। कियानली अपने माता पिता को घर बनाने के लिए पैसे देता है। शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि कुछ लोग कमांडर कियानली की तलाश कर रहे हैं। वे आकर बताते हैं कि कियानली की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उसे अगले दिन रिपोर्ट करना होगा। अगली सुबह कियानली अपने माता पिता से रुख्सत लेता है। तभी वैनली अपने भाई से कहता है कि वो भी देश के लिए लड़ना चाहता है, लेकिन कियानली कहता है कि वो अपने माता पिता के साथ रहे और कियानली वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमेरिका की सेना दुश्मन के इलाके में बमबारी कर रही है। US नेवल शिप लगातार गोले दाग रहे हैं, वहीं अमेरिकी एयरफोर्स भी जमीन पर कई बम गिराती है। ग्राउंड पर हवाई हमले से अलर्ट करने वाला अलार्म बजने लगता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, जिसके बाद हजारों अमेरिकन टैंक और इन्फेंट्री डिवीजन को समुद्र तट पर तैनात किया जाता है, जो इस बात का संकेत है कि जंग और भी भयानक होने वाली है। सुप्रीम कमांडर जनरल मैकआर्थर प्रेस से बात करते हुए बताते हैं कि वो किसी भी कीमत पर सियोल को वापस लेकर रहेंगे। वहीं चीन के तियानमेन स्क्वायर पर माओ त्से-तुंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग करके युद्ध की स्थिति पर रिपोर्ट मांगते हैं, जिसके बाद पेंग नाम का एक सीनियर अफसर लाइब्रेरी में आता है। माओ का बेटा एनिंग उसे वेलकम करता है और पेंग को उसके पिता के पास ले जाता है, जिसके बाद पेंग और माओ युद्ध में कोरियाई लोगों की मदद करने के लिए प्लान बनाते हैं। जाते वक्त एनिंग पेंग से कहता है कि उसे भी युद्ध में शामिल कर लो, लेकिन पेंग मना कर देता है। तभी वहां पर मौजूद माओ उसे युद्ध में लड़ने की परमिशन दे देते हैं। कुछ दिनों बाद अमेरिकन फोर्सेस बमबारी शुरू करती हैं। वहीं उसी एरिया में यालू नदी पर माओ पेंग को आर्मी के कमांडर के रूप में नियुक्त करता है। इसी दौरान जनरल मैकआर्थर अपने अफसरों को हमला जारी रखने का निर्देश देते हैं। वहीं कोरिया के आर्मी हेडक्वार्टर में एनिंग अमेरिकी आर्मी की मूवमेंट के बारे में पेंग को रिपोर्ट करता है। पेंग का अनुमान है कि अमेरिकी सेना चेंगजिंग लेक पर बड़ा हमला करेगी और इस हमले का मुकाबला करने के लिए पेंग अपने अफसरों से मिलकर एक प्लान बनाता है। माओ पेंग का प्लान देखकर उसे सभी मोर्चे मजबूत करने की सलाह देते हैं। अब चाइनीज सेना लड़ने के लिए तैयार है। कियानली की बटालियन और 9th कोर बटालियन के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी 9th कोर बटालियन का अफसर शाइलिन आकर कियानली की बहादुरी के किस्से सुनाता है। ये सुनकर कियानली चौंक जाता है। तभी वो उसके छोटे भाई वैनली को वहां पर देखता है। कियानली अपने भाई से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए। साथ में ये भी बताता है कि उसने और बैली ने इसलिए आर्मी ज्वाइन की थी ताकि तुम्हें ऐसा न करना पड़े, लेकिन अब वैनली वहाँ पर वर्दी में मौजूद है, इसलिए कियानली को उसे अपनी कंपनी में शामिल करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि चाइनीज आर्मी फ्रंटलाइन पर जाने की तैयारी कर रही है। सभी सप्लाई को ट्रेन में लोड किया जा रहा है, सैनिक भी ट्रेन में सवार होते हैं। शाम होते ही आसमान में रेड फ्लेयर दिखाई देती है, जो इस बात का संकेत है कि ट्रेन रवाना होने वाली है। कियानली और वैनली सबसे आखिर में दौड़ते हुए ट्रेन में सवार होते हैं। ट्रेन रवाना होती है और बाकी के सैनिक उन्हें सलामी देते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि इनमें से कई सैनिक वापस नहीं आएंगे। ट्रेन में कियानली अपने भाई वैनली को प्लाटून कमांडर लेई से मिलवाता है। वैनली लेई से पूछता है कि उसके पास गन क्यों नहीं है। लेई बताता है कि अभी उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई, इसलिए उसे गन नहीं दी गई है, इसलिए बाकी सैनिक वैनली का मजाक उड़ाते हैं। कुछ देर बाद वैनली को वेपन दिया जाने वाला था, लेकिन इस हंगामे के कारण वैनली को बंदूक नहीं दी जाती, इसलिए वैनली नाराज होकर ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है, जिसे बाकी सैनिक रोक लेते हैं। ट्रेन के दरवाजे खुलते हैं और सभी सैनिक चीन की महान दीवार देखते हैं। आखिरकार ले वैनली को उसकी गन देकर उसे आराम करने के लिए कहते हैं। कुछ ही देर में वे ईस्टर्न स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां और सामान ट्रेन में लोड किया जाता है। यहां ठंड काफी ज्यादा है, इसलिए कियानली अपने सैनिकों के लिए स्टेशन मास्टर से गर्म कपड़ों की मांग करता है। स्टेशन मास्टर बताते हैं कि उन्हें अगले 2 दिन में गर्म कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन तभी वहां से एक स्काउट प्लेन के पास होते ही अलार्म बजने लगता है, इसलिए सैनिक स्टेशन में जो भी सामान मिला वो उठाकर ट्रेन में भागते हैं। कुछ देर बाद ट्रेन एक जगह रुकती है, जहां कुछ सैनिक ट्रेन का रास्ता रोके खड़े हैं। तभी उन्हें दुश्मनों के प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है। कियानली अपने साथियों के साथ देखने जाता है कि क्या हो रहा है, और वे देखते हैं कि अमेरिकन प्लेन रेलवे ब्रिज और पटरियों को उड़ा देते हैं, इसलिए चीनी सैनिक ट्रेन से सामान नीचे उतारना शुरू कर पहाड़ों की ओर भागना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में फाइटर प्लेन बम गिराकर ट्रेन को उड़ा देते हैं।
अब चीनी सैनिकों के पास पहाड़ों के रास्ते आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लंबा सफर तय करने के बाद वे एक चट्टानी इलाके में आते हैं, जहां पर दो अटैक प्लेन को निगरानी के लिए आता देख सभी सैनिक मृत होने का नाटक करते हैं। लेकिन फाइटर प्लेन सैनिकों पर ध्यान नहीं देते और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। 7th कंपनी के कई सैनिक इस हमले में मारे जाते हैं, जिसके तुरंत बाद अमेरिकी जनरल हेलीकॉप्टर में सवार होकर बर्फीले पहाड़ों में दुश्मनों की तलाश में निकलता है। नीची उड़ान भरने के बावजूद वे बर्फ में छिपे हुए सैनिकों को देखने में असफल रहते हैं। वहीं अंधेरे की आड़ में 7th कंपनी के सैनिक उन्हें दिए गए लोकेशन की ओर आगे बढ़ती हैं। तभी उनकी मुठभेड़ अमेरिकन सैनिकों से होती है। 7th कंपनी के सैनिक मुश्किल में है और ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते, इसलिए कियानली युद्ध में शामिल होकर अपने साथियों की मदद करने का फैसला करता है। कियानली अपने सैनिकों के साथ दुश्मनों पर सरप्राइज अटैक प्लान करता है। तभी एक बम के ब्लास्ट होने के बाद फायरिंग शुरू हो जाती है। वैनली भी जंग में अपनी पहली गोली चलाता है। भीषण युद्ध चल रहा है और अमेरिकन सैनिक भी हार मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका के सैनिकों के पास अच्छे वेपन है, लेकिन चीन के सैनिकों की किसी भी स्थिति में हार न मानने की क्षमता अमेरिकन पर भारी पड़ गई। कियानली अपने भाई के साथ आगे बढ़ता है और क्लोज कॉम्बेट में उतर जाता है। वैनली के हाथों एक सैनिक मारा जाता है, जिसके बाद चीनी सैनिक एक अमेरिकन टैंक पर कब्जा कर लेते हैं और उसी टैंक से अमेरिकन टैंकों को तबाह कर देते हैं। दो टैंक कुछ ही मीटर की दूरी से एक दूसरे पर एक ही समय पर फायर करते हैं। दोनों शेल एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन एक शेल अमेरिकन टैंक को लगता है और वो तबाह हो जाती है। वहीं प्लाटून कमांडर ले की कंपनी आने वाले दुश्मनों को देखती है और उन्हें रोकने का फैसला करती है। एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन के साथ ले की प्लाटून अमेरिकन सैनिकों का सफाया कर देती है। आखिरकार 7th कंपनी कम्युनिकेशन टावर को उड़ाने और लड़ाई जीतने के साथ एक और दिन जिंदा रहने में सफल हो जाती है। वहीं ईस्टर्न फ्रंट पर अमेरिकी एयरपोर्ट पर वेस्टर्न फ्रंट के जनरल आलमंड वेस्टर्न फ्रंट के जनरल ओलिवर स्मिथ से मिलते हैं। जनरल आलमंड एग्रेसिव तरीके से काम करते हैं और वो जनरल स्मिथ से कई सवाल करते हैं। तभी जनरल स्मिथ बताते हैं कि ये आसानी से जीते जाने वाली लड़ाई नहीं है, जैसा कि जनरल मैकआर्थर चाहते हैं। वहीं पहाड़ों में 7th कंपनी अपनी आगे कुछ जारी रखती है और फॉरवर्ड कैंप साइट पर पहुंचती है, जहां कमांडिंग अफसर सैनिकों की बहादुरी की सराहना करते हुए उनका स्वागत करता है। कियानली कोड साइफर्स के साथ रेडियो ट्रांसमीटर सफलतापूर्वक अपने साथ लेकर आया है और आखिरकार 7th कंपनी को आराम मिलता है। कई दिनों बाद सारे सैनिक भरपेट खाना खाते हैं। तभी वहां पर एनिंग आकर सैनिकों को कुछ गर्म कपड़े देता है और कियानली को दूसरे मिशन के लिए जाने का आदेश देता है। 7th कंपनी कियानली के नेतृत्व में मिशन के लिए रवाना हो जाती है। रात के अंधेरे में जब तापमान शून्य के नीचे चला जाता है, 9th कंपनी चेंगचिंग लेक की ओर आगे बढ़ती है। वहीं फ्रंट लाइन हेडक्वार्टर पर जनरल को पता चलता है कि फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ रहे सैनिकों के पास ठंड को सहन करने के लिए कोई गर्म कपड़े नहीं है, इसलिए वो खुद भी गर्म कपड़े पहनने से इनकार कर देता है और अपने अफसरों से कहता है कि हमारे सैनिकों तक गर्म कपड़े पहुंचाने के लिए कोई रास्ता खोजो। वहीं फ्रंट लाइन के करीब बर्फीले पहाड़ों पर सैनिक थकान, भूख और ठंड को बर्दाश्त करते हुए आराम कर रहे हैं। इसी दौरान अमेरिकन सैनिक लज्जतदार खाने का मजा लेते हैं। तभी जनरल स्मिथ को रिपोर्ट मिलती है कि दुश्मनों के आने का कोई संकेत नहीं है। वहीं चाइनीज फ्रंटलाइन पर जब विमान एक एरिया को क्रॉस करता है, तब उन्हें सिग्नल मिलता है, जिसके बाद फ्रंटलाइन हेडक्वार्टर पर अलार्म बजता है और सैनिक अपने सारे सामान के साथ शेल्टर की ओर भागते हैं। एनिंग अपने दोस्त के साथ एक छोटी सी इमारत की ओर भागता है ताकि वो वहां मौजूद एक नक्शे को सुरक्षित कर सके, लेकिन फाइटर प्लेन अंधाधुंध बमबारी कर रहे हैं और इस बमबारी में कोई भी नहीं बचता। एनिंग भी शहीद हो जाता है। लेक चेंगजिंग के ईस्टर्न फ्रंट पर अमेरिका की 31st इन्फेंट्री रेजिमेंट, जिसे पोलार बियर के नाम से भी जाना जाता है, अपने हेडक्वार्टर को मूव करने की तैयारी कर रही है। तभी कई चीनी सैनिक कंपनियां रेडियो की मदद से दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी कर रही हैं। कुछ दिन बाद चीनी सैनिक सिहुंगनी में अमेरिका की 31वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट पर हमला करती हैं। इस हैंड टू हैंड कॉम्बेट में एक चीनी सैनिक 3-3 अमेरिकन सैनिकों को मार देता है, जबकि एक सैनिक अमेरिकन आर्मी का ट्रक लेकर दौड़ाता है और बाकी ट्रकों पर ग्रेनेड से हमला करता है। फिर वो कई टैंक भी तबाह कर देता है। कियानली भी ग्रेनेड फेंक कर एक टैंक को नष्ट कर देता है। चीनी सैनिकों के इस भीषण हमले के बाद अमेरिकन सैनिक पीछे हट करना शुरू कर देते हैं। आमने सामने के फायर में कियानली पोलार बियर रेजिमेंट के इंचार्ज अमेरिकन कर्नल एलन मैकलिन को घायल कर देता है। वैनली घायल कर्नल को मारने जाता है, लेकिन तभी कियानली उसे रोक देता है और उसे युद्ध के नियम का पालन करने के लिए कहता है। कुछ ही देर में अमेरिकन सेना री एनफोर्समेंट भेजती है। एक फाइटर प्लेन चीनी सेना पर हमला करता है और स्मोक मार्कर से उनकी पोजीशन रिवील करता है, लेकिन तभी एक चीनी सैनिक बसुका से प्लेन को मार गिराता है
और प्लेन मिलिट्री बेस पर क्रैश होता है, जिसके तुरंत बाद अमेरिकी बॉम्बर्स द्वारा बेस पर बमबारी की जाती है। इसलिए प्लाटून कमांडर लेई अपने साथियों की जान बचाने के लिए एक जीप में स्मोक मारकर रख के दूसरी दिशा में आगे बढ़ता है, ताकि अमेरिकन फाइटर प्लेन उसे फॉलो करते हुए बमबारी करें। इस तरह से लेई अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए खुद का बलिदान दे देता है। कियान ले अपनी 7th कंपनी के शहीद सैनिकों की लिस्ट में लेई का नाम जोड़ देता है और शपथ लेता है कि वो युद्ध जीतेगा और अपने सैनिकों को वापस उनके घर ले जाएगा। वहीं पीछे हट करने वाले अमेरिकन सैनिकों के एक दस्ते को रास्ते में बर्फ में जमे हुए चीनी सैनिक दिखते हैं। अपने देश की रक्षा करते हुए सभी सैनिक बर्फ में जम कर मर गए। इस बहादुरी को सैल्यूट करने से जनरल स्मिथ अपने आप को रोक नहीं पाए। वो बताते हैं कि इतने फौलादी इरादों वाले योद्धाओं के खिलाफ लड़ना और जीतना अमेरिका के लिए आसान नहीं था। फिल्म के अंत में हमें हंगराम में अमेरिकन कब्रिस्तान को दिखाया जाता है, जहां पर पूरा शहर जल रहा था और घायल अमेरिकन सैनिकों को निकाला जा रहा था। वहीं दूसरी ओर चीनी सेना जश्न मना रही थी। चीनी सेना की 9th कंपनी के हंगनाम पर कब्जे के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।